If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill my death. Hey, vatan, vatan, mere abad rahe tu. भारत जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, भारत वो देश जो सदैव से सर्वश्रेष्ठ है, भारत वो भूमि स्थल जिसने सदैव से महान योद्धाओं को जन्म दिया है। अगर अपने इतिहास के सुनहरे पन्नों की बात करें तो हम उन योद्धाओं को कभी नहीं भुला सकते जिन्होंने हमारे इस विराट वतन के मस्तिष्क को कभी नहीं झुकने दिया। इस देश ने छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज, श्री महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और न जाने कितने शूर वीरों को जन्म दिया है। हमारे भारत की लाज बचाने वाले वो निडर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने जो इस वतन के लिए शहीद हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ऐसे महापराक्रमी योद्धा सिर्फ इतिहास में ही थे। आज भी हमारे देश की सरहदों पर खड़े हुए वो सिपाही जो सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, मैं इंडियन आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूँ जो सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी हड्डियों को गलाकर हमें सुखी जीवन दे रहे हैं। वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देने के लिए वहां खड़े हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ दिस कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। दिस इज रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स एंड इट इज रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। दोस्तों याद रखना, वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी आपको सब कुछ देते हैं। अगर आप इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने उन सिपाहियों की बदौलत, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही सोच है, जितना भी लहू था बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा ना रहने दिया तन के वास्ते। अरे आती तो है मौत सभी को और मरते हैं सब लोग, लेकिन मौत है वही जो आए वतन के वास्ते। और अगर इतना संघर्ष करने के बाद भी आप उन्हें सिर्फ इज्जत तक नहीं दे सकते तो चल हट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।